बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं आपको आसानी से बन जाने वाली और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली रेमेडी बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। जहाँ आपके जिस्म में इजाफी चर्बी है, सब के सब इस रेमेडी से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो पेट पर हो या बाजू, हिप्स और रानों पर। और इसकी खास बात यह है कि इससे आपकी रंगत भी साफ होगी, यानी कि रंग गोरा होगा। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जब वेट लॉस की कोई रेमेडी यूज की जाती है तो उससे स्किन भी डल हो जाती है, लेकिन जो आज रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसको कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं, ये सब आखिर में बताती हूँ। पहले आपका कीमती वक्त बचाते हुए रेमेडी स्टार्ट करते हैं, पर आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपने जो चीज लेनी है वो है अदरक। अदरक आपके वजन को भी कम करती है और जोड़ों के दर्द में भी बहुत फायदा देती है। आपने तकरीबन 1 इंच का पीस लेकर छील लेना है। अब इसे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे किसी पैन में डाल दें। अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है फेनल सीड्स, यानी के सौंफ। सौंफ ना सिर्फ आपके जिस्म से इजाफी चर्बी को खत्म करेगी बल्कि आपकी रंगत को भी साफ करेगी। तकरीबन 1 चम्मच आपने सौंफ इसमें डालनी है। अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है सिनामिन स्टिक, यानी के दालचीनी। ये बस आपने इतनी डालनी है, ये देखें इतनी, इसे ज्यादा नहीं डालिएगा। अब इसमें आपने पानी डालना है, तकरीबन 1.5 गिलास पानी आप डालेंगे। अब इसे चूल्हे पर रख दें और दरमियानी आंच पर पकाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएं, फिर चूल्हा बंद कर दें। अब इसे नीम गर्म होने के लिए रख दें, फिर इसे छानकर किसी साफ गिलास में डाल दें। अब आपने इसमें एक चीज और डालनी है और वो है हनी, यानी के शहद। शहद का आप बस 1 चम्मच ही डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। और ये आपकी वेट लॉस ड्रिंक रेडी है। इसे आपने सुबह निहार मुंह पीना है और इसके 1 घंटे बाद नाश्ता करना है। रोजाना आप इसे पियेंगे और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका वजन कम होने लगेगा और आपका पेट भी अंदर होने लगेगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहीं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए, अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।